वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता किसल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए टू कलर में डिजाइन लेकर आए हैं। यह देखिए, यहाँ इस तरीके का बना हुआ डिजाइन है। आप किसी के भी स्वेटर बनाएं बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बच्चे, बड़े, जेंट्स, लेडीज, बेबी स्वेटर बनाएं बहुत ही सुंदर लगेगा। यह डिजाइन दो दो फंदा का बना हुआ है, तो इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम देखिए यहाँ दो दो फंदे के पैर में यहाँ फंदा डालकर हम यहाँ बना कर रखे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी 12 फंदे का यह डिजाइन है, तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। आप नीचे बॉर्डर बना लेंगे, उसके बाद इस डिजाइन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ दूसरा कलर को हम लगा लेते हैं। अब देखिए, हम यहाँ दूसरे कलर को यहाँ लगा लिए हैं। आप कोई भी कलर ले सकते हैं दो कलर में। सबसे पहले हम यहाँ दो फंदा जो है सीधा पिंक कलर से बुन लिए हैं, उसके बाद हम ग्रीन कलर से दो फंदा को हम बुन लेते हैं। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से बुन लेना है। सीधा सीधा हमें बुनना है। यह देखिए, हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। यह डिजाइन फोर्थ रो में बनकर कंप्लीट होता है। आप देखिए, बैक साइड से हम क्या करेंगे, यह जो फंदा है ग्रीन वाला, उसे हम सीधा इस तरीके से बैक साइड से हमें रॉन्ग साइड से सीधा बुनना है। फिर उसके बाद फंदे को इस तरीके से आगे की ओर लेंगे। फिर यह जो फंदा है पिंक कलर वाला, इसे हम उल्टा बुन लेते हैं। इस तरीके से उल्टा बुन लेंगे और इस फंदे को हम धागे को पीछे करेंगे और इसे हम सीधा बुन लेते हैं। इस तरीके से इस आप पीछे किए, फिर उल्टा जो है पिंक कलर से बुन लिए। यह डिजाइन का सेकेंड रो चल रहा है, तो हम ग्रीन वाले को बैक साइड से हम सीधा बुन लेंगे, फिर फंदे को आगे करेंगे, फिर इसे उल्टा हम बुन लेते हैं। यह हो गया हमारा सेकेंड रो कम्प्लीट। आप देखिए, थर्ड रो में हमें क्या करना है। थर्ड रो में हमें यहाँ देखिए इस तरीके से बुनना है। थर्ड रो में भी हमें उसी तरीके से बुनना है। देखिए, फिर वापस से हम थर्ड रो में जिस तरीके से फर्स्ट रो में बुने थे, उसी तरीके से सीधा बुने। फिर हम इसे सीधा ही बुन लेते हैं, सीधा ही बुन लेंगे, फिर सीधा ही बुन लेते हैं थर्ड रो में भी। फिर वापस से हम ग्रीन को भी सीधा ही बुन लेंगे, फिर पिंक कलर को भी सीधा ही बुन लेते हैं। इस तरीके से हमारा थर्ड रो भी कंप्लीट हो गया है। अब फोर्थ रो भी हमें सेकेंड रो के तरह ही बुनना है। इस तरीके से वापस से देखिए, फिर हमें इसे सीधा रॉन्ग साइड से हमें इसे सीधा बुनना है, तो हम इसे सीधा इसे बुन लेते हैं। इस तरीके से सीधा बुनना है, फिर फंदा को अपनी ओर करना है। फिर यहाँ हम दो फंदा को बुन लेते हैं, फिर इसे पीछे करेंगे, फिर बुन लिए, फिर फंदा को पीछे आगे की ओर करना है। इसी तरीके से बुनते हुए हम यह देखिए, इसे हम सीधा बुनेंगे। यह डिजाइन का हमारा फोर्थ रो जो है कंप्लीट हो गया। अब डिजाइन का हमारा जो है यह कंप्लीट हो गया फोर्थ रो के बाद। अब देखिए, इस तरीके का हमारा डिजाइन फोर्थ रो के बाद दिख रहा है। यह देखिए इस तरीके का। अब देखिए, यहाँ जो हम बनाए हैं ग्रीन कलर, अब यहाँ हो जाएगा और यहाँ जो पिंक है यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। जिस तरीके से हम नीचे बुनाई किए थे, उसी तरीके से इसे भी यहाँ देखिए, अब यहाँ जो था इसे हम ग्रीन कलर से बुन लेते हैं। सीधा सीधा इसे ग्रीन कलर से बुन लिए और इसे हम पिंक कलर से सीधा सीधा बुन लेंगे। प्लेस देखिए चेंज हो गया है। फिर देखिए, यहाँ ग्रीन कलर से
इसी तरीके से हम नीचे जिस तरीके से हम बुराई किए हैं उसी तरीके से हमें इसे भी बुन लेना है। तो हम इसे बुन कर देखिए अब कंप्लीट कर लिए हैं। अब रॉन्ग साइड से देखिए उसी तरीके से बुनना है जैसे हम नीचे बुनाई किए थे, तो हम इसे बुन लेते हैं। अब देखिए यहाँ रॉन्ग साइड से हमें उसी तरीके से यहाँ बुनना है। इसे हम पिंक कलर को हम उल्टा बुन लेते हैं। हमेशा ग्रीन कलर को हम रॉन्ग साइड से सीधा बुनेंगे। तो हम अब डिजाइन का दूसरा हमारा चल रहा है रो, अब प्लेस चेंज हो गया है तो दूसरा रो हमारा डिजाइन का चल रहा है। तो इसी तरीके से देखिए यह जो है उल्टा उल्टा बुन लिए हैं, फिर इसे सीधा बुनना है। ग्रीन कलर वाले को हमेशा रॉन्ग साइड से सीधा बुनना है और फंदा को अपनी ओर करना है। इस तरीके से देखिए यह डिजाइन हमारा प्लेस चेंज होने के बाद दूसरा डिजाइन हमारा इस तरीके का दिख रहा है। अब वापस से फिर हम यहाँ सीधा बुनेंगे बैक साइड से उल्टा। तो इसी तरीके का यह चार रो बनने के बाद यह हमारा डिजाइन कंप्लीट होता है। तो हम इसे वापस से फिर देखिए इसे सीधा सीधा बुन लेते हैं, सीधा बुन लिए। फिर इसे भी हम जिस तरीके से हम पहले फंदे बुने थे सेकेंड रो में इस तरीके से देखिए बुनना है। फिर इसे भी हम उल्टा इस तरीके से उल्टा को भी सीधा बुन लेते हैं। तो हम इसे बुनकर थर्ड रो को कंप्लीट करते हैं। देखिए यह डिजाइन का हमारा सेकेंड रो कंप्लीट हुआ। थर्ड रो, अब फोर्थ रो में हमें उसी तरीके से बुनना है। इसे हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे और इस फंदे को हम इधर की ओर ले जाएंगे और इसे हम सीधा बुन लेते हैं। इस तरीके से देखिए सीधा बुन लिए, अब फंदे को अपनी ओर लेंगे। इसी तरीके से हम फोर्थ रो भी अब कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ देखिए कंप्लीट हो गया, इसे हम पीछे ले जाएंगे, फिर अपनी ओर लेंगे, फिर उसके बाद उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा बुन लेते हैं। अब देखिए यह डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया। फोर रो बनने के बाद देखिए इस तरीके का डिजाइन हमारा दिख रहा है। यह देख सकते हैं आप इस तरीके का डिजाइन। तो इसी तरीके से यह देखिए यह दोनों डिजाइन इस तरीके का बनकर तैयार होता है। यह इस तरीके का आप भी स्वेटर बनाए, डिजाइन किसी भी स्वेटर बनाए बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।